अगर आप अपने पिस्टी के अंदर दो प्रोटीन स्टैंड शो करना चाहते हैं वो भी एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर गए तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ, आप अपने पिस्टी के अंदर वर्चुअल बॉक्स यानी कि जो वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत, लेट्स स्टार्ट। किसी डिवाइस के अंदर वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना एकदम आसान काम है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं आपको इसके लिए इसकी कई सारी सपोर्टेड फाइल्स जैसे कि आपको इसमें जावा इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप जावा और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेते हैं ये आपको सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं आपको इसमें ऊपर की साइड कॉर्नर में बटन दिखा देता है जिसका नाम है क्रिएट न्यू डिवाइस। जैसे आप इस न्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने इसकी स्पेसिफिकेशन पूछेगा, जैसे कि आपको इस डिवाइस की स्टोरेज कहाँ पर सेव करनी है, आपको इसको कितने GB रैम देनी है, कितने GB हार्ड डिस्क देनी है, इसको कितना GB रैम अपलोड करनी है और साथ ही आपको इसमें कितने GB प्रोसेसर और इसकी ग्राफिक कार्ड्स में आपको कितने पिक्सल्स देने हैं। जैसे आप इन सभी को सेट कर लेते हैं तो आपका एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं इस वर्चुअल डिवाइस के अंदर आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लो आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं, चाहे आपके पास मैक हो या फिर विंडोज हो, उसके अंदर आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने का आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे लिनक्स हो या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो आप वर्चुअल बॉक्स के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आखिर ये होता गया है, ये वीडियो देख लीजिए, इसमें मैं आपको पूरी डिटेल दिखा रहा हूँ कि आप इसमें कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप नया डिवाइस क्रिएट करते हैं उसके बाद आपको इसमें नई फाइल्स यानी कि जो आपकी विंडोज जहाँ पे स्टोर है वो इसमें आपको ऐड करना होगा। जैसे आप इसमें विंडोज की फाइल ऐड करते हैं ये आपसे पूछेगा कि आप विंडोज को स्टोर करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप जैसे स्टार्ट पर क्लिक करते हैं यानी कि उसके बाद ये आपसे विंडोज की लैंग्वेज पूछे आप विंडोज कौन सी लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करनी होगी, इसकी पार्टीशन आपको चूज करनी होगी कि आप नया पार्टीशन बनाना चाहते हैं या फिर इसी पार्टीशन में सेव करना चाहते हैं, फिर आपको प्रोडक्ट की पूछे आप प्रोडक्ट स्किप कर सकते हैं या फिर अगर आप प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट डाल भी सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस पूरी होती है आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे ही नया ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है आप इसके अंदर कोई भी काम कर सकते हैं जो आप अपने नॉर्मल जो PC है या फिर आप मैक उसमें जो करते हैं वो सारे काम आप इसमें जो वर्चुअल बॉक्स है इसमें कर सकते हैं। जैसे कोई नया गेम खेलना आप इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर आपने क्रिएट किया है उसे टेस्ट करना हो तो भी आप इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नया विंडो आया उसकी टेस्ट करना हो कि ये विंडो सही काम कर रहा है या फिर नहीं तो उसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके उसमें आप वर्चुअल बॉक्स में उसे ट्राई कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। मुझे उम्मीद है तो आपको पता चल चुका होगा कि आप वर्चुअल बॉक्स में नया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करें और ये वर्चुअल बॉक्स होता क्या है और ये क्या क्या काम में लिया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।